फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुक विद नीति में। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं यहाँ पर एक स्पेशल सी रेसिपी है जो कि बहुत ही टेस्टी है और इसकी ग्रेवी तो बहुत ही ज़्यादा यमी और टेस्टी है। तो ये हम बना रहे हैं यहाँ पर स्टफ टमाटो, जो कि हम पनीर से इसकी स्टफिंग तैयार कर रहे हैं और जो ग्रेवी है वो काजू के साथ तैयार करेंगे और खाने में मज़ा ही आने वाला है। और आप जब भी कभी इसको ट्राई करेंगे तो आप किसी भी पार्टी में, फंक्शन में आप इसको बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इस टेस्टी सी रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें लेने हैं टमाटर, तो एक ही साइज़ के हम ले रहे हैं टमाटर। उसको अच्छे से वॉश करेंगे, पोंछ लेंगे, और जो ये ऊपर का पार्ट है ऊपर से इसको हटाकर और इसके अंदर जो हमारा इसके अंदर जो वो निकलती है, जो बीज निकलते हैं या जो इसका पल्प होता है वो हमें निकाल ले लेना है और उसको हमें कुछ इस तरीके से रेडी कर लेना है। यानी जो इसके अंदर का पल्प है वो मैंने निकाल के एक कटोरी में अलग या बाउल में रख दिया है और इस तरीके से मैंने 6 से 7 टमाटर प्रिपेयर करके साइड रख दिए हैं। यही आपने करना है। तो ये हमें तैयार करके साइड रख लेने हैं और अब ले ले रहे हैं हम यहाँ पर इसकी स्टफिंग के लिए हम लेंगे यहाँ पर पनीर। तो लगभग हमने 250 ग्राम से 300 ग्राम आप पनीर ले लीजिए। अगर आपने पनीर की स्टफिंग तैयार करनी है तो खाली पनीर ले लीजिए। अगर आपको पोटैटो की करनी है तो आप बॉयल पोटैटो ले सकते हैं कद्दूकस करके या मैश करके, या फिर आप दोनों को हाफ हाफ डिवाइड करके दोनों चीज़ों को भी मिक्स करके ले सकते हैं। तो पनीर हमने ऑलरेडी कद्दूकस कर लिया है। तो चलते हैं हम अपने पैन की तरफ। पैन में हमने डाला है 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल, साथ में डालेंगे हम जीरा 1 टीस्पून, थोड़ा सा हम हींग डाल लेते हैं, साथ में डालेंगे हम ग्रीन चिली चॉप की हुई और अदरक, इसको डाल देते हैं और इसको थोड़ा भुनने देते हैं। इसके बाद हम डालेंगे, अगर आपके पास टमाटर बड़े हैं तो 1 ले लीजिए और छोटे हैं तो 2 ले लीजिए, इनको हम चॉप कर लेंगे और इसको भी हम डाल लेते हैं, इसको चला लेते हैं। इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले, तो यहाँ पर डाल रहे हैं हम 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, छोटी चम्मच है, साथ में डालेंगे हम यहाँ पर रेड चिली पाउडर, ये भी एक छोटी चम्मच, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा डाल देते हैं इसके अंदर नमक, तो इसमें हमने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है और इसको चलाकर हम थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक इसको कुक कर लेंगे। तो कुछ ही देर में हमारे जो टमाटर हैं अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, इसको हम इस तरीके से मैश कर ले रहे हैं और अब डालेंगे हम इसके अंदर पनीर। पनीर के साथ डालेंगे हम यहाँ पे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, कलर अच्छा आएगा। साथ में हम डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और थोड़े से हम डालेंगे यहाँ पर ड्राई फ्रूट, जिसमें मैंने थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम लिए हैं। क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिए, या आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ हम डालेंगे थोड़ा सा नमक अकॉर्डिंग टू पनीर, क्योंकि हमने ऑलरेडी डाला हुआ है टमाटो के हिसाब से, तो हल्का ही डालेंगे क्योंकि हमने पनीर डाला है, तो उसी के हिसाब से हमें हल्का सा नमक डाल दीजिए। और आप चाहें बाद में भी नमक डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको हम चला ले रहे हैं। और इसको चलाते हुए हमें अच्छे से भून लेना है ताकि हमारी स्टफिंग अच्छे से बन जाए और जो मसाले हैं वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो स्टफिंग अच्छे से भून गई है और इसमें डालेंगे लास्ट में हम गरम मसाला तो हमने पहले डाल ही दिया है। अब डालेंगे हम इसमें धनिया पत्ती और गैस की फ्लेम कर देते हैं बंद। इसको निकाल लेंगे हम प्लेट के अंदर और इसको ठंडा होने देते हैं। जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम अपनी ग्रेवी के लिए प्यूरी तैयार कर लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं टमाटर, 2 से 3 टमाटर ले लिए, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं जो हमारी इस तरीके से इसका पल्प निकला था, इसको हम मिक्सी में डालकर पीस के हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यूज़ ना करना चाहें तो आप इसको किसी सब्जी में यूज़ कर लीजिए और 2 से 3 टमाटर ले लीजिए, आपकी चॉइस है कि आप प्यूरी यूज़ करेंगे या फिर ये। उसके बाद हमने ले लिया है यहाँ पर लगभग 2 से 4 ये लगभग हमारे 4 टीस्पून काजू हैं, आप टुकड़े भी ले सकते हैं, 1 ग्रीन चिली है, थोड़ा सा हमने लिया है अदरक का टुकड़ा और इसको हमने चॉप कर लिया है। अब हमें क्या करेंगे, इन सभी को हम पीस लेते हैं, यानी इनकी प्यूरी तैयार कर लेते हैं।
तो ये हमने अपनी प्यूरी तैयार कर ली है और अब ले लिया है एक पैन और उसमें हमने डाला है ऑयल। आप कोई भी ऑयल इसमें यूज कर सकते हैं और गरम करने के बाद हम डालेंगे अपनी प्यूरी। इसको चला लेते हैं। तो ये हमने इसको चला लिया है और ध्यान रहे कि ग्रेवी हम धीमी फ्लेम पर ही कुक करेंगे। और अब हमने डाली है 1 टीस्पून, यहाँ पे हम डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च सुंदर सा कलर आने के लिए। अब डालेंगे यहाँ पर हम 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल लेंगे। आप चाहें अगर इसको थोड़ा तीखा बनाना तो आप इसमें रेगुलर मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी हमने हरी मिर्ची भी डाली हुई है तो हम स्किप कर रहे हैं। और 1 टीस्पून डालेंगे हम इसमें टर्मरिक पाउडर। सभी को करेंगे हम अच्छे से मिक्स। और इसको धीमी धीमी आंच पर हम कुक करेंगे जब तक कि इसका ऑयल अलग ना हो जाए। तो आप देख रहे हैं हमारी ग्रेवी ने जो ऑयल है वो अलग कर दिया है। इसको करेंगे मिक्स और अब डालेंगे यहाँ पर हम थोड़ा सा लगभग 1 से 2 टीस्पून हम डालेंगे। यहाँ पर फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं, फ्रेश मलाई डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें काजू आपने डाला है उसकी जगह आप यहाँ पर मगज के बीज भी पीस कर उसका पेस्ट बनाकर डाल सकते हैं, या फिर आप बादाम के भी पेस्ट इसमें यूज़ कर सकते हैं। जो आपको इजी लगे वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसको कंटिन्यू भी हमें चलाना है क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो टमाटर की खटास से ये हमारी जो ग्रेवी है वो फट जाएगी। तो इसको जब तक अच्छे से गर्म ना हो जाए कंटिन्यू हम इसको इसी तरीके से चलाते रहेंगे। तो अच्छे से ये हमारी मिक्स हो गई है। इसको भी हम कुक होने देते हैं थोड़ा सा। और साथ में क्या करेंगे, पहले हम इसको थोड़ा सा कुक होने देते हैं। जब तक ये धीमी आंच पर कुक होता है तब तक हम जो स्टफिंग बनाई है वो अपने टमाटर के अंदर फिल कर लेंगे। ग्रेवी का जो मसाला है वो अच्छे से कुक हो गया है और अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा पानी। तो जो मिक्सी थी मैंने उसी में थोड़ा सा पानी डाल के इसको चला लिया है और इसको हम थोड़ा सा चला ले रहे हैं। ग्रेवी आपको कितनी थिक रखनी है अपने हिसाब से आप कर लीजिए। साथ में जाएगा थोड़ा सा इसमें कस्तूरी मेथी, उसको हमने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, उसको भी डाल देंगे। और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें ग्रेवी के हिसाब से नमक, तो वो भी ऐड कर देते हैं। हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है, इसको करेंगे हम मिक्स। और साथ में जाएगा इसमें थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला भी ऐड कर देते हैं, इसको भी मिक्स करेंगे। और अब हम डालेंगे इसके अंदर टमाटर। आप चाहें तो ग्रेवी को रेडी करके आप साइड रख दीजिए और टमाटर को भी आप एक पैन में ऑयल डालकर हल्का सा 1 मिनट के लिए कुक कीजिए और फिर ग्रेवी उसके ऊपर डाल दीजिए या ग्रेवी के अंदर टमाटो रख दीजिए, या फिर जिस तरीके से मैं तैयार कर रही हूँ आप इसी तरीके से तैयार कर सकते हैं कि जैसे जैसे ग्रेवी भी पकेगी साथ साथ में ये टमाटर हैं ये भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। और अब हमें इसको बहुत ज़्यादा भी कुक नहीं करना है, लगभग 1 से 1.5 मिनट में हमारे जो टमाटर हैं वो लो फ्लेम पर थोड़े सॉफ्ट भी हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करने हैं, थोड़े से ही सॉफ्ट करने हैं। और थोड़ी सी मेरी ये जो स्टफिंग थी वो फालतू थी यानी बच गई थी, तो मैंने 2 से 3 टमाटर और रेडी कर लिए हैं, वो भी मैं इसी के अंदर डाल देती हूँ और इसको ढककर लगभग 1 मिनट मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेती हूँ। आधा मिनट हो चुके हैं और हमने टमाटर को हल्का सा इस तरीके से घुमा दिया है, यानी थोड़ी इसकी जो डायरेक्शन है वो थोड़ी चेंज कर दी है और लगभग हमारी जो सब्जी है वो बनकर रेडी हो गई है। तो लगभग हम इसको कुछ सेकंड्स के लिए और छोड़ देते हैं और फिर हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करने हैं, हमें इसी तरीके से सॉफ्ट करने हैं आप देख रहे हैं। और जो ग्रेवी है वो भी अच्छे से कुक हो गई है, जो सारे मसाले हैं वो आपस में मिक्स हो गए हैं और जो इसका टेस्ट है वो भी हमारे टमाटर के अंदर आ चुका है। और इसी स्टेज पर हम कर देते हैं गैस की फ्लेम बंद और सर्व करने के लिए रेडी कर लेते हैं। तो ये हमारे स्टफ टमाटो की सब्जी बनकर तैयार हो गई है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर और खाने में बहुत ही टेस्टी लग रही है। और इसको हम ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा देखने में अच्छा लगे तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हम ले लेते हैं यहाँ पर पनीर और इसके ऊपर हम डाल देते हैं। आप कोई ड्राई फ्रूट्स भी इसके ऊपर रख सकते हैं या खाली धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप जो चाहें उस तरीके से आप इसको सर्व कर दीजिए। तो ये मैंने डाल दिया है पनीर और अब डालेंगे यहाँ पर थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल दीजिए गार्निशिंग के लिए। और ये हमारे स्टफ टमाटो बनकर रेडी हो गए हैं, जिसे आप पूरी पराठे चपाती
या फिर नान किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें, खाएं, खिलाएं। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।